नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंभर। भारतीय शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो कल निफ्टी ने अपना नया लाइफ हाई छुआ है। हल्की बढ़त के साथ ही सही, लेकिन बाजार लगातार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम आज की बात करें तो जो तमाम ग्लोबल बाजार हैं वहाँ से कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट के साथ करीबन 25,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी वायदा बाजारों यानी कि फ्यूचर्स की अगर बात करें तो मिला जुला कारोबार है, क्योंकि टेक शेयर्स में भारी बिकवाली की वजह से कल रात अमेरिकी बाजार फिसलते हुए नजर आए। कारोबार जगत की तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस पर। यूएस के निजी बैंक अपना सकते हैं यूपीआई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर। भारत के डीपीआई की प्रशंसा, कहा इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में आया बदलाव और वित्तीय सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। पूरी दुनिया में होगा भारत का दबदबा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भारत अब एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, यूपीआई और रुपए को ग्लोबल बनाने का प्रयास जारी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने रिलायंस वॉल्ट डिज्नी मर्जर को दी मंजूरी। समझौते के लागू होने पर देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का होगा गठन। और आज सपाट दायरे में खुले भारतीय शेयर बाजार। बुधवार को नए ऑल टाइम हाई को छूकर निफ्टी 25,052 पर हुआ था बंद। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आइए करते कुछ अहम खबरों का और बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। तो जिस तरह से हमने अपनी प्रमुख खबर में भी बताया कि भारत सरकार यूपीआई को वैश्विक भुगतान सिस्टम बनाने पर जोर दे रही है, और इस सब के बीच अमेरिका के फेड रिजर्व के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने कहा कि निजी अमेरिकन बैंक भारत के यूपीआई सिस्टम के साथ जल्द भुगतान के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंटरलिंकिंग G20 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों में से एक है। मुंबई में जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर वॉलर ने भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की प्रशंसा की, और ये भी कहा कि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया और वित्तीय सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित क्रांति ने भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ टेक्नोलॉजी स्टैक बनाने में मदद की है और कम लागत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस में भी अब यूपीआई उम्मीद बनकर वहां के बैंकों के साथ अगर हमारा तालमेल बैठता है तो जल्दी यूपीआई के जरिए वहां पर भुगतान प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा कि केंद्रीय बैंक कम से कम 2 उद्योग निकायों को फिनटेक क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में काम करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को मंजूरी दी, क्योंकि ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि यूपीआई और रुपए को सही मायनों में वैश्विक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई का ध्यान वित्तीय समावेशन, DPI, उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा, सस्टेनेबल फिनेंस और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण को सशक्त बनाने पर है। दास ने कहा कि फिनटेक क्षेत्र ने पिछले 2 वर्षों में लगभग $6 अरब का निवेश आकर्षित किया, और ये भी कहा कि भारत अब एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। Digital payments in India offers a unique bouquet of simple, safe and secure options for instant or quick transfer of funds, both large and small value for businesses as well as for individuals. Unified Payments Interface or UPI, a real-time payment system, was launched in India in April 2016 by the National Payments Corporation, NPCI. And it has played a significant role in the growth of retail digital payments in India. NPCI itself was promoted by banks under the guidance of the Reserve Bank of India. While initial participants on the UPI platform were banks,
non-bank third-party app providers and use of QR codes have all combined in popularizing the UPI. It has since emerged as a robust, cost-effective, and portable retail payment system and is attracting active interest across the globe. और बात करते हैं सेबी की, जिसने एसएमई में इन्वेस्टमेंट को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। रेगुलेटर ने माना कि सिलसिले में एडवाइजरी जारी कर निवेशकों को सावधान किया जा चुका है। रेगुलेटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लिस्टिंग के बाद कुछ एसएमई कंपनियां या फिर उनके प्रमोटर्स जो हैं वो ऐसी बातें आपको बता रहे हैं जो उनकी ऑपरेशंस की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करती, जिसके बाद अक्सर बोनस मुद्दे, स्टॉक का जो विभाजन है, पक्षपातपूर्ण आवंटन जैसे कदम उठाए जाते हैं जो कि निवेशकों को इन सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही ये प्रमोटर्स जो हैं वो ऊंची कीमतों पर अपनी हिस्सेदारी बेचने का अवसर देते हैं। और इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सेबी ने ये कहा कि उसने ऐसी कंपनियों के खिलाफ आदेश पारित किए जो सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेबी ने निवेशकों को असत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करने या फिर सुझावों और अफवाहों के आधार पर निवेश ना करने की भी सलाह दी है। और अब बात केंद्रीय कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों की, जिससे देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कैबिनेट ने 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स पर मोहर लगाई, जिसके लिए 6,456 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों के 7 जिलों को कवर करने वाले प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे में मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। ये कृषि प्रोडक्ट्स, खास तौर पर फर्टिलाइजर्स, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना, पत्थर जैसी वस्तुओं के साथ साथ परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणाम स्वरूप 45 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई अब हो पाएगी। वहीं रेलवे भर्ती कैलेंडर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहले और दूसरी तिमाही के रोजगार अधिसूचना में लगभग 45,000 जो रिक्तियां हैं उसका विज्ञापन पहले ही दे दिया है। पिछली भर्ती चक्र में करीबन 1,54,000 लोगों को रेलवे में नौकरियां दी गई थी। रेलवे का भर्ती कैलेंडर, ये भी एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। कई वर्षों से, कई दशकों से इसकी डिमांड होती थी कि रेलवे का रिक्रूटमेंट एक प्रॉपर कैलेंडर के तहत हो, इसीलिए 4 क्वार्टर्स को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक किया गया। किस तरह से कि जनवरी से मार्च का जो पहला क्वार्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें ALP यानी लोको पायलट्स का, दूसरे क्वार्टर में टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर्स, तीसरे क्वार्टर में नॉन टेक्निकल कैटेगरीज जो होती हैं उन सब का, और चौथे क्वार्टर में ग्रुप लेवल 1 की जो वैकेंसीज होती हैं वो सब। इन सब को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एक एम्प्लॉयमेंट का पूरा एनुअल प्लान बनाया गया है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। आज करीब करीब फर्स्ट और सेकेंड जो क्वार्टर्स के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस निकले हैं उसमें क्लोज टू 45,000 वैकेंसीज रेलवे ने एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। और इन प्रमुख आर्थिक खबरों के बाद आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। और सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जिसकी जो ओपनिंग थी वो गिरावट के साथ हुई थी और आज मंथली एक्सपायरी है। तो ये गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक रुख देखते हैं कि सेंसेक्स का ओपनिंग क्या रहा था। हालांकि क्या लाइफ हाइक के बाद अब मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है भारतीय शेयर बाजारों पर। 81,734 का लेवल, 51 अंकों का दबाव यहाँ पर कल लाइफ हाई छुआ था निफ्टी ने। अभी किन स्तरों पर है? 25,033 का लेवल, 19 अंकों का दबाव। 4 दिनों के बाद FIIs जो हैं, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, वो बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक्सपायरी है, यहाँ पर रोल ओवर्स का असर भी देखने को मिल सकता है। तमाम वो स्टॉक्स जो मार्केट में चीयर लीडर का काम करें, विप्रो चार्ट को लीड करता हुआ, भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, टेक महिंद्रा, 2 दिग्गज काउंटर फार्मा के और 1 टेलीकॉम का बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त
कहाँ पर मुनाफा वसूली हावी। देखिए बड़े उछाल के बाद हम देख पा रहे हैं कि मेटल्स जो हैं उस पर दबाव, मुनाफा वसूली हावी होती हुई हिंडाल्को, अल्ट्रा सीमेंट, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में इस वक्त आप देख रहे हैं अच्छा खासा दबाव है और खबरों के दम पर ये स्टॉक्स हलचल करते हुए। और आइए अब रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के बड़े फोकस की तरफ। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो कल हुई उसमें सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्री इंफ्रा फंड उसके दायरे को बढ़ाया, उसका विस्तारीकरण किया, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब इस निर्णय के तहत एग्री इंफ्रा फंड में 1,00,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त फंड है वो आवंटित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कैसे जब हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसे सुदृढ़ किया जाए और छोटे किसान, सीमांत किसान जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाकर इसे और अधिक आकर्षक बना दिया। यह कदम देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में AIF के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद इसे और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनाना है। नए निर्णय के अनुसार इस फंड का उपयोग पोस्ट हार्वेस्टिंग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जिसमें इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही PM कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट्स को ग्रिड में बिजली बेचने में आ रही समस्याओं को दूर किया गया है जिससे किसानों को निवेश की सुविधा मिलेगी और प्लांट लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत फल उगाने वाले किसान अब तुड़ाई के बाद जूस बनाने के प्लांट्स स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा PM कुसुम योजना के सौर ऊर्जा प्लांट्स के लिए फंड की व्यवस्था की गई है और इसके प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड से फंड की व्यवस्था की जाएगी। एग्री इंफ्रा फंड योजना के दायरे में कई नए उपाय जोड़े गए हैं जैसे कि सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए परियोजनाओं की अनुमति देना और एकीकृत प्राथमिक द्वितीय प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना। इसके अलावा PM कुसुम के घटक A को AIF के साथ मिलाने की अनुमति दी गई है जो कृषि बुनियादी ढांचे और टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देगा। FPO के AIF क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार भी किया जाएगा जिससे कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 6623 गोदाम, 688 कोल्ड स्टोरेज और 21 साइलो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है जिसे देश में अतिरिक्त 500 LMT भंडारण क्षमता प्राप्त हुई है। इन फैसलों से कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। और कैसे ये फंड किसानों की जिंदगियां तब्दील कर रहा है इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में, आप जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और एग्री इंफ्रा फंड किस तरह से जो सबसे बड़े अन्नदाता उसके चेहरों पर मुस्कान लाता है, इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास दो मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ संदीप दास साहब जो कि कृषि पत्रकार है वरिष्ठ, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मेरा आपसे यही है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास की जिससे आय में बढ़ोतरी होगी, अन्नदाता जिसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, एग्री कृषि फंड
का जो विस्तारीकरण है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं कृषि क्षेत्र के लिए आने वाले समय में? देखिए, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जब से ये लागू हुआ है 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो शुभारंभ हुआ है, तब से लेके ये चार साल में अगर आप इसकी प्रगति देखेंगे तो ये काफी ही प्रभावशाली योजना रहा है सरकार की तरफ से, और जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी इन्वेस्टमेंट्स है कृषि क्षेत्र में, इसमें लगभग 78,000 करोड़ का निवेश हुआ है, और परियोजनाएं की संख्या देखें तो लगभग 75,000 परियोजनाएं की स्थापना हुई है, जैसे कि फसल उपरांत कटाई के जो प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स जिसको बोलते हैं, कृषि संपत्तियां, इनका निर्माण हुआ है। लेकिन प्रगति को देखते हुए और जमीनी स्तर पर जो उभरती आवश्यकताएं को ध्यान में रखते हुए हमारा ये स्पष्ट हुआ था कि योजना के दायरे का विस्तार करना आवश्यक है जी। जैसे कि अभी जो तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी और ऑप्शन, कृषि क्षेत्र में अभी भी इसमें काफी कमी है, तो इसको बढ़ावा देना है जी। तो व्यवहार्य परियोजनाओं के तहत जो कृषि संपत्ति निर्माण करने के लिए अवसंरचना जो बनाते हैं, उसकी अनुमति जो है अभी समूहों के लिए मतलब रेस्ट्रिक्टेड था जी। तो इसको हम योग्य व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी हम इसमें शामिल करना चाह रहे थे, जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोपोनिक्स हो गया, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, एरोपोनिक्स है, मशरूम फार्मिंग है, इस तरह की जो योजनाएं हैं अभी तक सिर्फ समूहों के लिए सीमित था जी। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण युवा, कृषि उद्यमी, किसान, इस तरह के छोटे छोटे उद्यमियों को वो शुरू करना चाहते हैं जिसमें उनकी आय की वृद्धि हो। जैसे किसी ने गोदाम बनाया, उसमें अगर मशरूम फार्मिंग का एक यूनिट डाल दिया तो उसके आय बढ़ाने के जो है पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे प्रसंस्करण में, प्राथमिक प्रसंस्करण तो कृषि विभाग देखता है, और आपको जो सेकेंडरी जो प्रसंस्करण है वो मॉफी के दायरे में आता है। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिला है कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उद्यमी, वैल्यू चेन अप्रोच के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लगाते हैं, तो उसमें उनको फिर दुविधा होती है लोन सैंक्शन करने में बैंक्स, क्योंकि सेकेंडरी इंक्लूडेड नहीं। तो हमने एक और ये नया पहल हमने अभी ये विस्तार में शुरू किया है, प्रगतिशील विस्तार के दायरे में इसको लाया है कि योग्य गतिविधियों को मतलब सूची में है ना, एकीकृत द्वितीय तक प्रसंस्करण परियोजना को भी शामिल किया जाए, ताकि जो भी इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी जी, उनको एएफ के तहत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत इसी तरह है। इसी तरह पीएम कुसुम की एक घटक है जो ए, जहां पे किसान जो है पावर ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगा सकते हैं, सोलर पावर प्लांट जी। लेकिन उसके लिए लागत बहुत लगती है, 4-5 करोड़ तक लागत होता है, और इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलता, और इनको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन भी नहीं मिलता। तो अगर एएफ के तहत इनको ले आते हैं तो इनको 9% कैप के साथ, 3% इंटरवेंशन के साथ, 6% पे इनको लोन मिल जाता है जी। और ये किसानों को और किसान समूहों को प्रोत्साहित करेगा कि वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। बहुत अहम आपने ये जो आखिरी वाक्य कहा कि कैसे अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। वहीं दास साहब भी जुड़े हुए, दास साहब संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सामुदायिक कृषि क्षमताओं की जब हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस तरह से आप फायदा मिलता हुआ देखते हैं, खास तौर पे तब जब हम ये कह रहे हैं कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें तकनीक से भी जोड़ना है। देखिए, ये सवाल ये कि आपको देखिए सरकार का और एक पहल जो हुआ था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओस, अभी करंटली करीब 8,000 एफपीओस बन चुके थे, 10,000 का जो टारगेट था, तो उसको फार्मर के साथ यही उसका मकसद था कि ये सारे जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें फार्मर्स का से इन प्राइसिंग और जो सेविंग इन कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जो वैल्यू चेन टोटल डेवलपमेंट नहीं हुआ फार्मर्स खाली प्रोड्यूस करके तो वो फायदा नहीं होता है। तो ये जो जितना भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में जो समझ रहे लॉन्च हुआ था उसके तहत बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उसको कैसे ये करता है और मार्केटिंग, ये सब सारे तमाम चीज थे उसमें जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1,00,000 करोड़ का है, करीब 46,000 करोड़ रुपीज मुझे जितना जानकारी है कि उसमें डिस्बर्स हो चुका है। बट इसमें क्या है, जब लोन के थ्रू क्या होता है, फार्मर्स का जो कलेक्टिव है एफपीओस है उसमें जो पूरा जो वैल्यू चेन में वो फार्मर्स का से रहता है, तो किस भाव में खरीदना है,
और ये जो नया जो कल रिवम्प हुआ है उसमें भी मंडीज भी उसमें इन्वॉल्व है, मंडी भी उसमें लोन ले सकता है फॉर वैल्यू चेन्स एंड ऑल। करीब जस्ट जानकारी के लिए बता दो, करीब 2 करोड़ रुपए का लोन मिलता है, 7 साल का रिपेमेंट, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। तो ये वैल्यू चेन डेवलपमेंट में बहुत आता है कि बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि वैल्यू चेन को और मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर हम इसमें ऐसे समझें कि तमाम जो परियोजनाएं हैं जो कि इस अवसंरचना से जुड़ी हुई हैं उसमें कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 8 लाख से ज़्यादा जो ग्रामीण हैं उन्हें रोज़गार मिला। जहां हम आय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उत्पादकता को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ क्लाइमेट रिजिलियंट जिन फसलों का जिक्र इस बार की बजट स्पीच में भी किया गया, उस लिहाज से भी ये कोष बहुत मददगार साबित होता हुआ। देखिए, कृषि का सब समग्र विकास तब होगा जब हम कृषि अवसंरचना को मजबूत करेंगे देश में। संदीप जी ने यह बताया है कि एफपीओस को के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, इसीलिए नाब संरक्षण जो है वो एक नाबार्ड की तो हमने उसको भी के दायरे में लाया था कि एफपीओस का भी जो क्रेडिट गारंटी है जो डीजीटीएमएससी में बाकी साथियों को मिलता है वो एफपीओस को भी मिले। इससे क्या होता है कि एफपीओस भी जो है आगे बढ़ के चलिए। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत अहम बात उन्होंने कही है। और इसी पर एक टेक लेते हैं, दास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दास साहब, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना अहम मानते हैं, खासतौर पर इस तरह के फंड्स को और मजबूती के साथ काम करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो युवा हैं अगर वो कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं तो उन्हें और आकर्षण देने के लिए, क्योंकि हमें ये मानना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एग्रीरियन इकोनॉमी है। हम लोग मूविंग टुवर्ड्स प्रोसेसिंग एंड मोस्ट वैल्यू एडिशन। पहले क्या होता, बहुत सारे जैसे तमाम जो फोकस हमारा रहा था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ा जाए, बट अभी क्या हो रहा है कि जब देखा गया कि बहुत सारे लॉसेस होता है प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट एंड पूरा वैल्यू चेन में फार्मर्स का रोल ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको उचित दाम मिले और लॉसेस जो होता है प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में लॉस होता है उसको कैसे किया जाए, और एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने का जो 2 करोड़ रुपया के पैसे दोगे इसमें, इस फंड में 2 करोड़ रुपया मिलता है, 7 साल का रिपेमेंट पीरियड है, उसमें 3 साल का इंटरेस्ट सबमिशन भी है 3% का। That means, जो सब्सिडाइज लोन मिलता है ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट लोन को देके जो एग्री एंटरप्रेन्योर है उसको भी मजबूत करेगा, क्योंकि बहुत सारे युवा रूरल एरिया में अभी थ्रू स्टार्टअप्स ऑल थ्रू वेरी एफपीओस बनाकर भी काफी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट का फोकस है 10,000 नया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज रजिस्टर नॉन प्रॉफिट बेस्ड कंपनी रजिस्टर करने के लिए 8,000 बन चुके हैं। तो फार्मर्स कलेक्टिव के थे, क्योंकि यहाँ तो सब छोटे छोटे फार्मर्स है, स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, तो कलेक्टिव की थी, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है और कलेक्टिव की वो इंटरवीन कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट पर कैसे इंप्रूव किया जाए, वैल्यू चेन में कितना रोल प्ले कर सकता है। तो ये स्कीम है बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अभी भी बहुत बाकी है। तो FY 2026 तक 2025-26 तक ये स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुआ था, तो उसको लेकर जो फंड है, तो ये हमारा जो टोटल जो वैल्यू चेन है फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर उसको स्ट्रेंथन करेगा एसेंशियली, एंड प्री और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करेगा, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अहम कारक साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, आप इस शो पर आए और अपने विचार इस मंच से साझा किए। और जब हम बात करते हैं इस एग्री इंफ्रा फंड को लेकर, ये एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम इतना आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि जो हमारा किसान है वो आज का नया नवीन किसान बने, ताकि जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं उस संकल्पना में उसका योगदान सबसे अहम रहे। और वक्त तो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि बजट में एलआई योजना के द्वारा देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के आधार पर लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी।
नीति आयोग ने भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की वकालत की है। आयोग ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में खाद्य तेल में विकास में तेजी लाने के रास्ते और रणनीति इस शीर्षक से एक रिपोर्ट में बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए बायबैक व्यवस्था के साथ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग कर सार्वजनिक निजी भागीदारी जरूरी है। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का निर्माण करेगा। इस सौदे के तहत रिलायंस और उसकी सहयोगी इकाइयों के संयुक्त मीडिया कंपनी में 63.16% हिस्सेदारी होगी, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास बाकी 36.84% हिस्सेदारी होगी। विलय के बाद गठित होने वाली मीडिया कंपनी के पास 2 स्ट्रीमिंग सेवाएं और 120 टेलीविजन चैनल होंगे। कंपनी भारतीय एयरटेल की 2640 करोड़ रुपए की शेयर बायबैक योजना पूर्ण होने पर इंडस टावर्स में 50% से अधिक हिस्सेदारी होगी, भारतीय एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने फिनटेक दिग्गज पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस पेटीएम इनसाइडर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दोनों कंपनियों ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी। पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी 197 कम्युनिकेशन को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया कि क्योंकि उन्होंने एक मुंबई के निवासी और उनके विदेश में रहने वाले बेटे की डीमैट खातों को गलती से प्रमोटर मानकर गलत तरीके से फ्रीज कर दिया था। यूपीआई ने साल दर साल 57% की लेन देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इस अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूएससी इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई ने साल दर साल 57% की लेन देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। आभूषण निर्माता कंपनी तनिष्क को दक्षिण अफ्रीकी ब्रिटिश हीरा कंपनी डी बियर्स ग्रुप ने देश में प्राकृतिक हीरों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। इसके कारण भारत प्राकृतिक हीरे के आभूषण के लिए दुनिया में दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में चीन को पीछे छोड़ चुका है। अदानी इंटरप्राइजेस डेट इशू के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने बताया कि यह इशू सब्सक्रिप्शन के लिए 4 सितंबर को खुलेगा और 17 सितंबर को बंद होगा। इशू के तहत 2, 3 और 5 वर्ष की अवधि में परिपक्वता वाले बांड की बिक्री की जाएगी।